किसी भी चीज की जो आवश्यकता होती है वही उसकी वैल्यू कहलाती है किसी भी संसाधन की जितनी आवश्यकता होगी वही उसकी वैल्यू कहलाएगी द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी भी संसाधन की जो वैल्यू है वो समय समय पर चेंज होती रहती है एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और जगह जगह पर अलग अलग होती है द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर और इसकी जो वैल्यू है हो सकता है एक संसाधन की पहले आवश्यकता रही हो अब उस उसकी आवश्यकता ना होकर किसी दूसरे संसाधन की आवश्यकता हो रही हो तो ये भी होता है रिसोर्सेज तो, रिसोर्सेज टू भी आवश्यकताएं चेंज होती हैं वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी एक रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है इट मीनस किसी भी एक रिस, रिसोर्स को लिमिटेशन वे में यूज करना उसको सीमित तरीके से कार, काम में लेना जैसे कि आप इस समय पर जानते हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है वो हमारे लिए सबसे एसेंशियल uh, रिसोर्स है तो हमें उसको इकोनॉमिकली उसको यूज करना चाहिए वेर एज द अदर वन मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू या फिर अगर आप देखते हैं तो किसी भी रिसोर्स की एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकती है इट मीन्स उसकी सौंदर्यता के हिसाब से भी उसकी वैल्यू हो सकती है या प्राकृतिक हिसाब से भी उसकी वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है वॉटरफॉल हैज एन एस्थेटिक वैल्यू वॉटरफॉल का मतलब होता है झरना ठीक है पानी का जो झरना होता है वाटरफॉल जो होता है उसका एक एस्थेटिक वैल्यू होता है इट मीन्स वाटरफॉल जो है वो सौंदर्यता के हिसाब से बहुत सुंदर हमें दिखाई देता है तो इसलिए इसकी एस्थेटिक वैल्यू हो गई बट वेन इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट वही वाटरफॉल को अगर यूज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू तो उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी आर्थिक रूप से इट मीन्स उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा उससे हमें पैसा मिलेगा उससे देश को पैसा मिलता है तो यह उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई देर आर सर्टेन रिसोर्सेज यहाँ पर कुछ और भी अनिश्चित रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम जो कि लगातार समय के साथ साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं इट मीन्स आर्थिक रूप से उनकी जरूरत होती है आगे देखें द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इन टू आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो दो तथ्य होते हैं जो दो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस जो कि किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं किसी भी पदार्थ को संसाधन में चेंज कर देते हैं जो वो टू जो फैक्टर्स है वो है टाइम एक तो समय और एक है टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी में अगर किसी नए रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है तो उस समय पर उस रिसोर्स की भी आवश्यकता होने स्टार्ट हो जाती है तो क्या हुआ किसी भी एक नॉर्मल किसी भी एक जनरल जो सब्सटेंस है उसको क्या बना दिया रिसोर्सेज उसको बना दिया है बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है देअ आइडियाज उनके जो आइडियाज होते हैं जो वो प्लानिंग्स करते हैं नॉलेज उनकी जो ज्ञान होते हैं डिस्कवरीज उनकी जो खोज होती है एंड इन्वेंशन जो आविष्कार होते हैं लेट टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज ये क्या करते हैं बहुत अलग अलग तरह के पदार्थों को संसाधनों के रूप में क्रिएट करते हैं अर्ली टाइम से ही आ, बहुत पुराने समय से ही ये जो और ये जो इन्वेंशन है जो खोज और जो अविष्कार हो जो है वो होते आ रहे हैं और नई नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फायर लेट टू कुकिंग प्रैक्टिस जैसे कि सबसे पहले अर्ली मैन ने क्या डिस्कवर किया था वहां पर सबसे पहले यहाँ पर अर्ली मैन ने सबसे एक मेन चीज डिस्कवर की थी फायर तो फायर को जब डिस्कवर किया गया तो उसके आगे और क्या क्या यहाँ पर आइडियाज आने लगे जैसे कि कुकिंग प्रैक्टिस होने लगी इससे खाना बनाने का काम किया जाने लगा इन्वेंशन ऑफ व्हील उसके बाद एक व्हील का भी इन्वेंशन हुआ आविष्कार हुआ रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका रिजल्ट क्या निकला अब जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है जैसे कि हमारी जो कार्स हैं जो ट्रक्स हैं जो जीप्स हैं ये सब किसका एक पार्ट है ये इन्वेंशन का ही पार्ट है क्योंकि व्हील जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था उसके बाद नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग्स तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारी अर्थ पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स इंसान हु हैव आइडियाज जिनमें आइडियाज होते हैं ज्ञान होता है उनकी योग्यता उनकी स्किल्स होती हैं, विच हैज लेड टू वेरियस डिस्कवरीज जो कि नई नई डिस्कवरी करती है और नए नए इन्वेंशन करती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है वो पाए जाते हैं three main types of resource. पे तीन मेन रिसोर्सेस है नेचुरल नेचुरल और प्राकृतिक संसाधन ह्यूमन मेड ये प्राकृतिक संसाधन ना होकर ये ह्यूमन्स के बनाए हुए होते हैं जो संसाधन ह्यूम के क्रिएट किए गए हैं वो ह्यूमन मेड कहलाते हैं थर्ड खुद ह्यूम भी एक तरह का हमारे लिए असेंशियल हमारे अर्थ पे असेंशियल रिसोर्स है सो नेचुरल रिसोर्स से पड़ेंगे द रिसोर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं आर वेल्यू वैल्यूएबल एंड फुलफिल अवर नीड्स ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं इट मीन्स मूल्यवान होते हैं और हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इन वन वे और द अनदर किसी भी एक तरह से या फिर अलग अलग तरीकों से सच एज लैंड जैसे कि आप लैंड जो है वो भी हमारे लिए मेन रिसोर्स है एयर हवा एंड वाटर और पानी ये तीनों ही कैसे रिसोर्सेज है नेचुरल इट मीन ये प्रकृति से हमें मिलते हैं प्रकृति द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं द एयर वी ब्रीथ जो सांस हम लेते हैं द वेयर वी ग्रो प्लांट्स वो मिट्टी जिसमें हम पौधे उगाते हैं द वॉटर विच है लेक्स वो पानी जो कि हमारे लेक्स में है पॉन्ड्स में है ओशियंस में है और अदर वाटर बॉडीज और भी जो दूसरी पानी की जो जगहें हैं वहां पर जो पानी पाया जाता है ये हमारे लिए एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें इनकी बहुत ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज है द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग दैटेगरीज तो रिसोर्सेज को इन मेन पार्ट में बांटा गया है देखिए आगे नेचुरल रिसोर्सेज को अनदर टू पार्ट में यहाँ पर बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट उनके विकास के आधार पर एक्चुअल एंड इनका एक्चुअल या पोटेंशियल सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ दर ऑरिजिन कहाँ से आए हैं बायोटिक है या एबायोटिक इट अबायोटेन्स जैविक है या अजैविक है डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक्चुअल uh, में ही वो रिसोर्स के रूप में है या पोटेंशियल या फिर उनको किसी तरह से पोटेंशियल करके उनको रिसोर्स में डेवलप किया जा रहा है सो नेक्स्ट पेज हम देखेंगे ऑन द बेसिस थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी इट मीन्स रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है इट मीनस वो उनको पुनर्निर्मित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता जैसे पानी है उसका फिर से निर्माण हो जाता है ठीक है आगे देखेंगे आप नेचुरली हमें पेट्रोल भी मिलता है प्राकृतिक संसाधन ही है पेट्रोल भी लेकिन पेट्रोल को अगर एक बार एक बार खाली कर लिया जाए दिख करके तो वो फिर से उस जगह पर पुनर्निर्मित नहीं होता तो वो हो गया नॉन रिन्यूएबल तो वाटर तो हो गया हमारा रिन्यूएबल और जो पेट्रोल है वो हमारा हो गया नॉन रिन्यूएबल नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में भी इसे बांटा जाता है, है वो भी जैसे लोकलाइज स्थानीय जैसे कि दूसरे जगह पर जो हमें मिलता है नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट से हम नेक्स्ट सेशन में रीड आउट करेंगे अभी आप लोगों को ये चैप्टर फिर से एक बार रीड आउट करना है और इसका रिविजन करना है जिससे कि हम इसके क्वेश्चन आंसर इजिली कर सके और आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आए सो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं आगे थैंक यू